नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब एग्जाम्पल फोर्थ करेंगे. टू स्मूथ स्फीयर्स ऑफ वेट W1 एंड W2 रेस्ट अपॉन टू स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन्स प्लेस्ड अगेंस्ट ईच अदर. टू स्मूथ स्फीयर्स ले लिए, ये टू स्मूथ स्फीयर्स ऑफ वेट W1 एंड W2. वेट जो है सेंटर पे होगा, स्फीयर का सेंटर सी है, इसका वेट नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट करेगा W1 वेट, एंड इसका जो सेंटर डी ले लिया उसका वेट सेकेंड स्फीयर का डाउनवर्ड एक्ट करेगा W2 वेट. दोनों का वेट W1 W2 डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं. एंड रेस्ट अपॉन टू स्मूथ इंक्लाइन प्लेन्स, ये दोनों स्फीयर्स कहां पर रेस्ट है, टू इंक्लाइन प्लेन्स. ये फर्स्ट स्फीयर का इंक्लाइन प्लेन ये है, सेकेंड स्फीयर का इंक्लाइन प्लेन ये है, दोनों इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट पे है. इफ अल्फा बीटा आर इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन्स टू द होरिजेंटल, ये प्लेन का ये होरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल है वो अल्फा बन रहा है, ये फर्स्ट वाले का अल्फा बन रहा है, और सेकेंड जो इंक्लाइन प्लेन है इसका होरिजेंटल के साथ एंगल जो बन रहा है वो बीटा एंगल बन रहा है. दैट एंड थीटा दैट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स देन प्रूव दैट, और जो थीटा है जो सेंटर दोनों सेंटर को ज्वाइन करो, ये सेंटर सी है इसका सेंटर डी है, इसको ऐसे सेंटर को सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे वो होरिजेंटल के साथ जो यहां एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा. जब दोनों सेंटर को ज्वाइन करेंगे होरिजेंटल के साथ जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा. देन प्रूव दैट दिस, ये हमने प्रूव करना है, ये लाइन्स लिखनी है. लेट स्फीयर्स टच ईच अदर एंड इंक्लाइन प्लेन्स ए एट बी, ए एंड बी, ये बी पॉइंट है ये ए पॉइंट है, ये जो स्फीयर्स है एट के टच कर रहे हैं, किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, मान लो ये के पॉइंट पे टच कर रहे हैं दोनों स्फीयर्स, एंड इंक्लाइन प्लेन्स, और इंक्लाइन प्लेन्स जो है वो ए एंड बी पे टच कर रहे हैं, ये बी पॉइंट पे है, यहां से हमने बी पॉइंट सेंटर से ड्रॉ किया, बी पॉइंट पे इंक्लाइन प्लेन पे टच कर रहे हैं, और यहां पर ए पॉइंट पे इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन पे टच कर रहे हैं स्फीयर. लेट पी बी अ प्रेशर बिटवीन स्फीयर्स, तो पी क्या ले लिया, स्फीयर्स के बीच का प्रेशर्स, यानी पी बी अ प्रेशर्स बिटवीन स्फीयर्स, एंड आर एंड एस बी द नॉर्मल रिएक्शंस एट पॉइंट ए एंड बी. ये पी दोनों स्फीयर्स का प्रेशर इकट्ठा दोनों का, इधर पी ले लिया ऊपर की तरफ प्रेशर और इधर प्रेशर नीचे की तरफ, ठीक है, मतलब पी ऊपर की तरफ यहां एक्ट कर रहा है, यहां पर प्रेशर डाउनवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा है, बिकॉज इसका इंक्लाइन प्लेन इधर है तो ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा, ये डाउनवर्ड नीचे इंक्लाइन प्लेन है तो इसका प्रेशर नीचे की तरफ डायरेक्शन आएगी पी की. एंड आर एस नॉर्मल रिएक्शंस है, नॉर्मल रिएक्शंस जो होगी ये इस तरफ इंक्लाइन प्लेन है तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ होगी एस की, जिस तरफ इंक्लाइन प्लेन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं. मान लो ये इंक्लाइन प्लेन यहां पर है तो इसके नॉर्मल रिएक्शन जो होगी ऊपर की तरफ सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और यहां इसका इंक्लाइन प्लेन यहां है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगी आर, तो आर एंड एस बी द नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी से है, जो ये बी से नॉर्मल रिएक्शन, ये कौन से पॉइंट से है, ए पॉइंट से है, एक्टिंग अलोंग एडी एंड बी सी. कंसिडर इक्विलिब्रियम स्फीयर हैविंग सेंटर सी, सी पे इक्विलिब्रियम फोर्सेस लगेगी तो उस पर हम लेमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे. सबसे पहले हम लगाते हैं एस डब्ल्यू वन और पी पे, एस डब्ल्यू वन वेट नीचे की तरफ है और पी प्रेशर ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन एस है, पी प्रेशर ऊपर की तरफ और डब्ल्यू वन वेट नीचे की तरफ है, तो सी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम लेमिस थ्योरम अप्लाई होगी. तो लेमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए एंगल हमें पता होने चाहिए. देखो ये वाला एंगल हमें पता है ये अल्फा एंगल है, तो ये वाला भी अल्फा होगा बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल है, ये देखो ये ऑल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है अल्फा, और बीटा देखो ये वाला एंगल बीटा है और यहां पर भी ऑल्टरनेट एंगल है, ये देखो यहां पर भी ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा बीटा होगा. अब ये अल्फा है, अब ये वाला देखो ये एंगल जो है, ये लाइन जो जा रही थी सेंटर से पास हो रही थी दोनों स्फीयर के सेंटर से, ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल बन रहा है, एक्यूट का मतलब होता है 90 से छोटा, छोटा है तो 90 माइनस थीटा आएगा, थीटा क्यों आएगा, बिकॉज यहां पर थीटा है, यहां पूरा थीटा है तो यहां पर जो होगा ये एंगल जो होगा छोटा होगा एक्यूट होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, 90 से छोटा होगा तो 90 माइनस थीटा, और ये जो एंगल है ये वाला ये ऑब्ट्यूस है यानी 90 से बड़ा है तो 90 प्लस थीटा होगा, बड़ा एंगल 90 प्लस होता है, छोटा एंगल 90 माइनस है, ये क्यूट एंगल 90 माइनस थीटा और ये बड़ा है 90 प्लस थीटा, बिकॉज यहाँ थीटा बन रहा है तो इसी लाइन से ही हमने बनाना है, ये वही लाइन है जहां से यहाँ एक्यूट बनेगा और यहाँ ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, ठीक है. ये हमारे एंगल्स हो गए. अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला एंगल दोनों का एंगल का प्लस है, किसका प्लस है, 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, तो ये भी एंगल होगा 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल सेम होगी,
तो लेमिस थ्योरम अप्लाई करते हैं, पहले हम पी फोर्स की बात करते हैं। जब पी फोर्स की बात करेंगे तो एंगल किन के बीच का लेना है, एस और डब्ल्यू वन के बीच, बिकॉज कौन सी फोर्सेज लग रही है, एस डब्ल्यू वन पी। पी की बात करेंगे तो एंगल इन दोनों के बीच का लेंगे, एस की बात करेंगे एंगल इन दोनों के बीच का लेंगे, और डब्ल्यू वन की बात करें तो एंगल एस और पी के बीच का लेंगे। अब पी फोर्स है तो एंगल एस और डब्ल्यू वन के बीच का लेते हैं, ये एस है और ये डब्ल्यू वन, ये एंगल है टोटल। तो ये एंगल कितना होगा, देखो टोटल ये है 180, टोटल कितना है 180 में से अगर ये अल्फा माइनस कर दे तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस अल्फा, तो टोटल 180 है, 180 में से ये वाला अल्फा माइनस कर दे, इधर वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, तो नीचे लगेगा साइन 180 माइनस अल्फा। W1 की बात कर रहे हैं फोर्स की, W1 फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो फोर्स तो एंगल किन के बीच का लेना है, पी और एस के बीच का ये वाला एंगल लेंगे, और ये वाला कितना 90 प्लस अल्फा माइनस थीटा, ये रख दिया एंगल। और अगर एस फोर्स की बात कर रहे हैं तो एंगल किन के बीच का लेंगे, पी और डब्ल्यू वन के बीच ये वाला एंगल लेंगे, और ये वाला एंगल कितना बन रहा है ये देखना है। ये टोटल 180 है यहां से लेकर यहां तक, 180 में से ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा माइनस कर दे, ये इतना आ जाएगा एंगल जो W1 और P के बीच का एंगल बनेगा, कितना टोटल 180 में से ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा माइनस करेंगे, अगर 180 में से 90 माइनस थीटा माइनस करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस 90 प्लस थीटा आ जाएगा, और 180 माइनस 90 कितना होता है 90 प्लस थीटा, तो यहां आएगा 90 प्लस थीटा एंगल आएगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा ये थीटा पूरा है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस अल्फा माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके आ गया, पी की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट किया, पी किसके इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू वन साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस थीटा। अब सेकंड पे अगर हम लेमिस थ्योरम लगाते हैं तो ये सेकंड वाले एंगल लेने हैं 180 माइनस थीटा, ये आपने सोचने ये एंगल कैसे आए हैं, सेकंड स्फीयर पे ये एंगल लेने हैं, ये फोर्स बात करें पी डब्ल्यू टू एंड आर की है, ठीक है, तो इस पे एंगल्स आपने सोचने की कैसे लिए है, तो इस पे भी सॉल्व करके ये आ जाएगा, और यहाँ पी की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू टू साइन बीटा अपॉन दिस, और दोनों पी को इक्वेट कर दिया, लेफ्ट साइड पी है राइट साइड को इक्वल कर दिया, दोनों को इक्वल करके यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा दिया। अब कॉमन निकाल दिया, जिसमें कॉमन निकल रहा है, जैसे कि साइन थीटा कॉमन निकल रहा है, अंदर जो रह जाएगा ये W2 टू कॉस साइन अल्फा साइन बीटा, और ये माइनस का साइन थीटा है, माइनस है तो उधर आके क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज के प्लस का हो जाएगा, और दूसरे में हमने कॉस थीटा कॉमन निकाल दिया, ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड में चला जाएगा, और इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है साइन अल्फा साइन बीटा, दोनों कॉमन, ये कॉमन निकाल दिया साइन अल्फा साइन बीटा, और इधर वैसे ही रखा, और यहां से हम साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा, और यहां से ये वैसे ही ये चीज डिवाइड इधर मल्टीप्लाई हो रही है इधर डिवाइड में चला जाएगा नीचे, अब बेस अलग अलग कर देंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा के नीचे ये रख देंगे, माइनस डब्ल्यू टू इसके नीचे भी ये रख दिया, और डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू नीचे ही रख दिया, इसको बस इसके बेस अलग अलग कर दिए, इसके नीचे भी डाल दिया और इसके नीचे भी डाल दिया। अब ये क्या आ जाएगा, साइन से साइन कट हो रहा है, कॉस अपॉन साइन कॉट बन जाएगा, साइन से साइन ये भी कट, कॉस अपॉन साइन कॉट अल्फा बन जाएगा, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, ये आंसर आ गया।